सीहोर में आज न्यू मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन संघ मध्य प्रदेश ने डिप्टी कलेक्टर आदित्य कुमार जैन को ज्ञापन सौंपा। ओल्ड पेंशनर संघ द्वारा ज्ञापन में उल्लेखित किया गया है कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिनांक 1 जनवरी 2005 से नियुक्त शासकीय अधिकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन स्कीम ओपीएस को बंद कर न्यू पेंशन स्कीम एनपीएस लागू की गई है, जिसमें 1 जनवरी 2005 के बाद नियुक्ति राज्य सरकार के सभी विभागों के लाखों कर्मचारी अधिकारी प्रभावित हुए हैं। न्यू पेंशन स्कीम शेयर बाजार पर आधारित है, इसमें न्यूनतम पेंशन का भी कोई प्रावधान नहीं है। न्यू पेंशन स्कीम में 500 से 1000 रुपए तक की पेंशन मिलती है, जो कि वृद्धावस्था पेंशन से भी कम है, जिसमें कर्मचारियों का जीवन निर्वहन परिवार का भरण पोषण सम्मान पूर्वक नहीं होता है, जो शासकीय कर्मचारियों के साथ घोर अन्याय है। कर्मचारी सरकार के सेवक हैं और पेंशन उनको प्राइवेट कंपनी देती है, जो न्याय संगत नहीं है। और सन 2005 के बाद नियुक्त शासकीय अधिकारी कर्मचारियों को पूर्व की भांति पुनः पुरानी पेंशन बहाल करने की मांग की गई है। हमारे दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी से 2016 में नाम बदलकर रामलाल से इनको श्यामलाल बनाया है, उसके बाद में इनको सुविद्या के नाम पर जीरो स्थायी कर्मी करा, मतलब दैनिक वेतन भोगी से इनको बनाया स्थायी कर्मी, और आज तक कोई सुविद्या के नाम पर जीरो है। और हमारे कुछ कर्मचारी साथी थे, अभी SDM साहब ने एक आवेदन दिया था, उनको आदेश करा था हमारे ड्राइवर को वन विभाग के नरेश कांकड़ी जी को, उनकी मृत्यु हो गई निर्वाचन कार्य में पॉलिटेक्निक कॉलेज में, उनका परिवार आज भूखे मरने की नौबत है। तो हमारा मुख्यमंत्री माननीय जी से ये निवेदन है कि कम से कम हमारे कर्मचारी को अनुकंपा नियुक्ति दे और नियमितकरण करें, ये एक ही मांग है हमारी, मेन मांग है हमारी सिर्फ अनुकंपा नियुक्ति और नियमितकरण। सीहोर से EMS TV के लिए राहुल मालवीय की रिपोर्ट।